हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। हम इस समय इस्लामगंज में खड़े हैं तो जहाँ पर शू मेकर जुतियाँ जहीं पर बनती हैं, घर घर में बनती हैं, देखिए जहाँ पर जितने मटेरियल का काम है, पीछे दिखाओ ये गली जो मोहल्ले जहाँ पर ये सारा शू मेकिंग का काम होता है, जहाँ पर हम आए थे तो भाई साहब जहाँ पर मिले तो हमें कहता अभी मैंने कहा क्या काम करते हो, कहते हैं मैं जुतियाँ बनाता हूँ, वो बनाता हूँ जो कोई नहीं बनाता। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम आपको दिखा दें, ठीक है ना। तेरा क्या नाम है? सिया। अच्छा फिर अंदर आ जाए घर में, और देखो छोटे छोटे घर में जैसे लुधियाना शहर में होजरी का काम है ना घर घर में, तो ऐसे ही यहाँ पर हर घर में शू मेकिंग का काम है। तो देखिए ये अभी तो देखिए ना उनके पास सारा सामान है, आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग है हर घर में होती है, ये स्किल है मोदी का। क्या हाल चाल है? और इधर जा रहे थे ना हम लोग, कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि भाई साहब के जुतियों का काम है तो जुत्ती दिखा दें। आप भी यही काम करते हो? नहीं हम हाँ यही काम दोबारा घर वाला पूरा करते हैं। अच्छा क्या करें बंदा बैठे हैं, पहले तो क्या करेंगे भैया और क्या टाइम बस ऐसे ही है ये। अच्छा क्या नाम भाई साहब आपका? मदन लाल जी, ये जो आपने जुत्ती दिखा रहे हो दिखाओ थोड़ा सा, दिखाओ मेरे को ये काके दिखा जाए जुत्ती। ये देखिए जुत्ती जो शेरवानी है बड़ी बड़ी दुकानों पर शोरूम में मिलती है जी, और देखिए लेदर देखिए जी, ये देखिए हाँ ये सारा माल जो है ना। अच्छा भाई ये क्या जी हैंडवर्क, ये पंजाबी मोजड़ी, पंजाबी मोजड़ी हाँ ये क्या तुम खुद तैयार करते हो? हाँ जी हाँ जी हैंडमेड है। हाँ जी ये हैंडमेड है। हाँ जी तो ये देखिए यहाँ पर ये साइज वगैरह इनके पास सारा साइज वगैरह होता है आपके पास? हाँ जी हाँ। तो उसके बाद ये सिलाई मशीन आपके पास? सिलाई मशीन है। ये घर पे ही अपना काम करते हो? ये कटिंग भी करते हो? हाँ कटिंग करूँ। तेरा क्या नाम है? वंच। वंच तेरे को क्या हो गया सिर में क्या हो गया? लग गई। अरे यार शरारत करता होगा तू। तेरा क्या नाम है? सिया। तूने इतनी बड़ी ऐनक लगा ली, क्या बता तेरे पापा खाने को नहीं देता था? नहीं इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक हो जाएगा और क्या। चलो ये घर में ही आपने काम किया हुआ है, चलो खर्चा पानी निकल जाता है बस, शुक्र है ऊपर वाले का। चलो आपके सारा मोहल्ले में यही काम होता है? यही होता है, यही होता। सब राजस्थान से ही है? सब राजस्थान से। अच्छा अच्छा तो अभी दिखा देते हैं ये कितने जूता पड़ता है? ये अभी तो जैसे होलसेल में देते हैं 170 रुपए में, 160 रुपए में, और एक एक जोड़ी बनती है 500 रुपए लेते हैं। अच्छा यानी कि दुकान वाले तो 500 लेते हैं ना, आपको तो 170 मिलते हैं, यानी कि आपको 30-40 रुपए जूता बचता है। हाँ हाँ बस बस बस। देखिए मैन्युफैक्चरर को 30-40 रुपए जूता बनता है बचता है, यानी कि कारीगर को जब दुकान से आप लेने जाएंगे तो 400 की मिलेगी ये 3000 की बिकेगी। 3000 की? हाँ दुकान वाले बेचेंगे शेरवानी के साथ में। शेरवानी का 3000 की बिकेगी? हाँ शेरवानी के साथ। अरे 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 तेरे से कितने का लेकर जाऊँ? ये हमारे से तो इतने के मिलेगा, हमारे पास ये कपड़ा वो देते 500 रुपये हम देते बनवाई के। 500 रुपये बनवाई के लेते हैं? अभी 500 रुपये बनवाई है, 500 रुपये बनवाई लेंगे, कपड़ा सामान उन्हीं का है जो कहते हैं ना, तो आगे 3000 रुपये देते हैं बनवाई, 500 रुपये सामान उनका। तो ये भाई साहब कारीगर ही हैं और ये बनाते हैं। तो बच्चे को पढ़ा पढ़ू रहे हो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है देखो ये अपने जो होते हैं ना विवाह शादी होते हैं तो कहते हैं 15000 का सूट बनेगा, 10000 का सूट बनेगा, शेरवानी बनेगी, लड़के का शादी है दूल्हा बनेगा, तो वैसे जैसे दूल्हे ने कपड़े पहने होते हैं तो वैसे ही ये शगुन वाली जुत्ती होती हैं। तो ये बनाते हैं मदन लाल जी, तो कहते हैं कि 500 रुपये मेरे को बुनाई मिलता है दोनों पीस का, और उसके बाद तो तीन जितने का बिकेगा बेचते हैं। अच्छा मदन लाल जी फिर कभी बना के दिखाना हमको है? हाँ बना के दिखाएंगे। चलो ठीक है चलते हैं भाई साहब। मदन लाल जी से बातचीत किया और मदन लाल जी का घर देखा छोटा सा है, ठीक है ना। पढ़े होके क्या बनोगे? बड़े पढ़े होके डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे पढ़े होके ना, पढ़े होके बड़े होके दोनों काम होंगे ना, है ना। ठीक है तू क्या बनेगा? आर्मी में जाएगा यार, वाह बड़े बड़े सपने भाई तेरे मदन लाल तेरे बच्चों के। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई चलते हैं।